अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, सॉरी मैं कहना भूल गई, मैं जा रही हूँ शूटिंग पे, आज का दिन है। मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को लेके जाऊंगी साथ अपने, तो मैं जा रही हूँ शूटिंग पे, शूटिंग पे जा रही हूँ। ये देखें, ये फ्यूल डलवाने आई हूँ, फ्यूल डलवाने। अल्लाह करे ये मेरा कार चल जाए, एक तो चल नहीं रहा, दूसरा चल जाए, चलो कुछ भी हो जाए। और ये साहब हैं जिनसे हम फ्यूल डलवाने आए हैं, ये पंप है जहाँ से फ्यूल डलवाने आए हैं, और मैं जा रही हूँ इस टाइम शूटिंग पे। इश्क मर जाने की शूटिंग हो रही है, मैं उस शूटिंग पे जा रही हूँ। मैं आप लोगों को अब तमाम आर्टिस्टों से मिलवाऊँगी भी जाके। ये देखे जी, गार्डन वाले डायरेक्टर को प्रॉब्लम हो रही है, नेट में कोई ना कोई इश्यू है। अब बताएं कैसा हो रहा है, कैसी हाल चाल है आप लोगों के, क्या सिस्टम है जी? तो फिर आप लोग मिलेंगे मेरे साथ, मैं आप लोगों को अभी आज दिखाती हूँ अपने सेट पे जाना कि वैसे वहाँ पे जाके हम लोग क्या मौज मस्तियाँ करते हैं और क्या हमारा काम होता है। और मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे पहुँचना है जल्दी जल्दी, तो लेट्स सी आगे क्या होता है, डांट पड़ती है या क्या होता है। मुझे लगता है मुझे डांट पड़ेगी जाके अपने डायरेक्टर से, ये डायरेक्टर बहुत सख्त हैं, उन्होंने बोलना है इतनी लेट पूरा स्टाफ हो चुका है, यार रश है, इतना रश है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कहाँ से जाएं कैसे जाएं, ये समझ नहीं आ रही होती कि बंदा करे तो क्या करे। इतनी मौसम अच्छा है बट दिन के टाइम बहुत गर्मी है और एसी चलाया, कसम से एसी चला के जा रहे हैं। और अपनी तरफ से ये मोटे कपड़े हाईनेक पहन के चलो जी चलते हैं, इंजॉय करते हैं, तो बस क्या करना है, इंजॉय। मौसम गर्मी लगनी शुरू हुई, साथ ही एसी चला लिया। और आप लोग बताएं क्या हाल है, दिखाएं जी ज़रा ये रश, दिखाएं ये गाड़ियों का रश है, ये इतनी लंबी लाइन लगी है। और डायरेक्टर ने ये समझ रहे हैं कि मैं जानबूझ के, प्रोड्यूसर ये समझेगा कि आर्टिस्ट जानबूझ के लेट होता है, हालांकि काफ़ी टाइम से हम लोग निकले हुए हैं, बट क्या करें रास्ते में इतनी कन्वीनियंस इतनी होती है। हाय बाजी माशाल्लाह सर, मौला हुसैन ने बड़ी शानी दी ने बाजी ने, अल्लाह पाक जिंदगी करे, या आज दी बादशाह आटा कर कोई नहीं ले ले बाजी, हमेशा गुजर नहीं मैं अच्छा वो बाजी एक एक पांच से दे दिया बाजी, आटे वास्ते ले 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 आटा लेने, अल्लाह की कसम। अच्छा और भी बड़े मिले ये जी रास्ते में मिल जाते कोई ना कोई, चलो थोड़ा बहुत कुछ हो सके तो कर देना चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास वैसे खुले नहीं थे तो मैं जल्दी जल्दी निकलेंगी। ऊपर से इशारा भी खुल गया था, मैंने कहा चलो इशारा खुल गया भाग जाओ, वो बेचारे मुझे बददुआ ही नहीं दे बजाए दुआ देने के, और क्या कर सकते हैं आजकल महंगाई भी इतनी हो चुकी है। चले जी लड़सी होता है क्या, चलते हैं, भागो भाग भागम भाग भाग हनी भाग, क्योंकि हमें बहुत डांट पड़ने वाली है, आज तो बहुत बड़ी डांट पड़ेगी क्योंकि हम लोग बहुत लेट हैं, टू लेट हैं। और मेरे एक्सपीरियंस में फर्स्ट टाइम हुआ कि मैं इतना लेट जा रही हूँ कि मुझे जाना नहीं चाहिए था, मुझे कम से कम एक डेढ़ घंटा पहले वहाँ पहुँचना चाहिए था। पूरा स्टाफ और सनलाइट्स की ज़रूरत होती है शूटिंग के लिए, रिकॉर्डिंग्स के लिए, तो जो रिक्वायरमेंट होती है हमें बेसिकली सेट तो वहीं पर लगा होता है ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है इनडोर आउटडोर की दोनों चीज़ों में काम करने में। तो अभी तो था चले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इनडोर ही है, दूर नहीं जाना, लेकिन फिर भी मैं लेट हूँ और लेट होना नहीं चाहिए था। चिल मस्ती काम काम काम, आज पहला दिन है, आज मैं अपने और आप लोग देख रहे हैं हनी शहज़ादी व्लॉग। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो के बारे में पता चल सके कि मेरी कौन सी वीडियो नहीं आ रही है और मेरी क्या अपडेट्स हैं, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। और कमेंट सेक्शन में जाके अपने ज़रूर कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा, आप लोगों को अगर कोई चीज़ बुरी लगती है तो मैं उसके लिए माजरा चाहती हूँ, बजाय तनकीद करने की सलाह कीजिएगा ताकि मैं कोशिश करूँ कि उसको दोबारा से ठीक कर सकूँ और आप लोगों के लिए अच्छी और खूबसूरत वीडियो बना के, वीडियो अच्छा सा व्लॉग बना के आप लोगों तक मैं पहुँचा सकूँ। तो आप देख रहे हैं हनी शहज़ादी व्लॉग्स, मेरा ऑफिशियल चैनल है और इसको आप लोगों ने लाइक और शेयर करना है दोनों, ताकि आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियोस मेरे बारे में पता चलता जाए, मैं क्या करती हूँ किधर जाती हूँ क्या नहीं करती हूँ,
मेरा शूटिंग डे है और जैसे कि मेरी फिल्म मोस्टली कंप्लीट हो चुकी है, ईद पे रिलीज होनी है, तो उस उन चीज़ों के लिए हम लोग अभी से शूटिंग से, मेरी दो तीन मूवी हैं जो ईद पे आ रही हैं उनके लिए हम लोग दिन रात भाग भाग के कर रहे हैं, क्योंकि फिर रमज़ान आ जाता है, रोज़ों में फिर काम नहीं होता, तो ज़रूरी है फिर कि हम पहले से काम पूरा करें, क्योंकि फिल्म का प्रोसीजर काफ़ी लंबा होता है, तो इस सिलसिले में चलिए ठीक है, लव यू।